नमस्कार। मेरे भारत देश के सभी पीड़ित साथियों को, संगठनों को जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों, आज मैं आपसे जो भी कहूँगा आप उसको गौर से सुनिए, सोचिए और समझिए। हमारा संघर्ष दिखावटी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग दिखावट के लिए नहीं लड़ रहे, चाहे जंतर मंतर 25 नवंबर हो, या एक महीने की हड़ताल हो, या 6 नवंबर प्रधानमंत्री आवास हो, पुलिस प्रशासन से टकराव करना कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन उससे कितना फर्क पड़ता है ये हम सभी जानते हैं। हम लोग जितनी भी संख्या थे वो पुलिस और देखा जाए तो सरकार के लिए कोई ज्यादा नहीं महत्व रखती। जहां इतने बड़े बड़े मुद्दों पर, जम्मू कश्मीर, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर पूरे हिंदुस्तान को शांत कर दिया जाए, हम लोगों की ताकत कितनी है। लेकिन कोई तो वजह है कि सरकार हमारे ऊपर उस तरह की कार्रवाई नहीं करती। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी समस्या, जटिल समस्या, और समस्या भी सही होना। सरकार जानती है कि ये लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए और हम इन पर कोई भी दुराचार नहीं कर सकते। साथियों, दूसरी समस्या ये तो सरकार के हो गई कि सेबी ने ऑफिस बंद करा दिए, लोढ़ा कमेटी बना दी। लोढ़ा कमेटी क्या कर रही है वो हम देख ही रहे हैं सर। जब कोई उन पर दबाव पड़ता है तो लॉलीपॉप दे देते हैं। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं कमी हमारी है। हम बार बार कहते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारी भी हैं। साथियों, हम वहां आंदोलन जाने के लिए तो तैयार हैं, इतनी दूर पैसा खर्च करके सब जगह, चाहे मुंबई, चाहे सेबी के ऑफिस या दिल्ली, लेकिन अपने जिलों में जो अशोक वाटिका है, मैं आज अशोक वाटिका इसलिए कहूँगा कि वो ऐसी अशोक वाटिका है, यदि आपने उसमें उद्यम मचाया तो छुपे हुए गद्दार और असुर जरूर निकलेंगे। साथियों, ये वो अशोक वाटिका है, पल्स के ऑफिस सारी कंपनियों के खरीदे हुए थे, और जो कहीं भी किसी भी सरकारी डायरी में दर्ज नहीं है। अगर होते तो सरकारी पास उसमें लिस्ट में नाम होते, उन पर सीज करे जाते, उनको बेचने की प्रक्रिया होती, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ऑफिस 2 साल तक खुलते रहे और अचानक बंद करके स्टाफ भाग गया, मैनेजर भाग गया, सब भाग गए, ताले लगा गए। अब बात करें उनकी चाबियों की, तालों की, तो देखा जाए तो वो चाबियां तो ऑफिस पे होनी चाहिए। जब कंपनी बंद हो गई, स्टाफ छुट्टी पर चला गया, तो वो चाबियां स्टाफ पर तो नहीं होनी चाहिए ना, वो तो दिल्ली होनी चाहिए। नहीं, दिल्ली में कौन, दिल्ली में तो कहते हैं ऑफिस ही बंद है, सब बंद है। तो बहुत सारी चीजें गुमराह करने वाली होती हैं। कुछ सीनियर्स हमारे गुमराह करते हैं, जो बड़े बड़े टॉप सीनियर्स आते हैं, वो कहते हैं अब कोई सीनियर नहीं है, अब कोई जूनियर नहीं है, जैसे आप हो वैसे हम है। यार, मजाक बनाते हैं वो। कहां तुमने 25 साल काम किया, कहां उस बंदे ने जिसने 2 साल, 3 साल, 4 साल काम किया, जो दिल्ली के आज तक हेड ऑफिस नहीं घूम के आया। आपकी सुबह और शाम, लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट दिल्ली के हेड ऑफिस में ही होते थे, निर्मल सिंह बंगू के पास। आज आप उससे कहते हैं कि हम सब एक हैं, कोई जूनियर सीनियर नहीं है। कितना हास्यास्पद टिप्पणी करते हैं ऐसे लोग। अगर उनसे कुछ उल्टा सीधा कहो तो उन्हें बुरा लगता है, अरे आप तो हमें गालियां देते हैं मीटिंगों में, आप हमारे से उल्टा व्यवहार करते हैं। तो क्या करें, क्या उन्होंने कभी कहा कंपनी बंद होने के बाद, 2014 के बाद, कि चलो हम मैनेजमेंट से जाकर पूछते हैं हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा, 6-6 महीने क्यों लेट था पेमेंट 2014 में? अरे कंपनी को बंद कर दिया, कंपनी के ऑफिस सीज हो गए, ताले सीज, वो खाते सीज हो गए। कौन से खाते सीज हो गए थे? कंपनी के पास पैसा ही नहीं था, यानी कि केवल उन उतने ही खाते में था, इसके अलावा पैसा ही नहीं था। मतलब सोच के देखो, यानी कि गुमराह किसने किया? आपके टॉप सीनियरों ने। अरे जैसा हमें मिलता है हम वैसा ही बताते। साथ ही 5 साल हो गए, आंखें खोल लीजिए अपनी,
गद्दार ये टॉप सीनियर हैं और इनके खिलाफ मुहिम चला लीजिए। दूसरा, ये कैसे निकलेंगे? आप अपने जिलों के ऑफिस में जाइए, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कोई कानूनी अड़चन नहीं है, बिना डरे, कोई शिकायत करने वाला नहीं है आपकी, कौन करेगा? निर्मल सिंह भंगू, जिसकी संपत्ति है पल्स की, वो आएगा कि मेरे ऑफिस को खोल दिया? या वो लोड़ा कमेटी जो आज तक संपत्तियां नहीं ढूंढ पाई है, वो जो है वो नहीं बेच पाई है 29,000, वो आएगी? कोई नहीं आएगा। इसलिए जो एक्टिव लोग हैं जिस जिले में भी, वो जाए संगठित होकर और ऑफिस को खोल दें, साम दाम दंड भेद जैसे भी आप उसके अंदर घुस सकते हैं, सफाई करवाएं और वहीं लोगों को बुलाएं। लोग आज हमसे बहुत से नहीं जुड़े, बहुत से जिलों में कितने लोग जुड़े हैं बताइए, संख्या बताइए। जब ऑफिस खुलते थे तब कितने लोग आते थे और आज हमारी मीटिंगों में कितने लोग आते हैं? इसलिए आप उन ऑफिसों को खोलकर वहीं बैठिए और पूरे जिले में प्रचार कर दीजिए, पल्स ऑफिस खुल चुका है, आपको जो जानकारी चाहिए यहां से मिलेगी, और लोगों को समझाइए, अपने आंदोलनों की जानकारी दीजिए, उन्हें अपने संगठन से जोड़िए, उन्हें बताइए जब तक निवेशक आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे हम आपकी लड़ाई कैसे लड़ लेंगे। तो पहला पॉइंट मैं यही कह रहा हूं कि ऑफिसों को बिना डरे काम दाम दंड भेद ऑफिस के अंदर प्रवेश कर जाइए, कोई डरने वाली बात नहीं है। जब पूरे हिंदुस्तान के इस तरह के निजी ऑफिस खुल जाएंगे तो एक चिंगारी ऊपर तक जाएगी, मैनेजमेंट के कान खड़े हो जाएंगे, जो खुद छुपे हुए गद्दार है ना आपके यहाँ, वो ऑटोमेटिक विचलित हो जाएंगे। यानी आपने शेषनाथ के फन पर अब नाचना है, और जब आप ऐसा करेंगे, जब इतनी भारी संख्या में सब जगह से होंगे, तो ऊपर तक आवाज जानी जरूर है। हम इधर उधर जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अपने जिले में करिए और देखिए। मैं यकीन से कहता हूं, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे आंदोलनों पर आप विश्वास करते हैं, मेरी बात पर विश्वास करते हैं, कि आपका ये काम बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। 1 महीने के अंदर सभी जिलों के आप ये काम कर दीजिए, जो साथी लड़ रहे हैं उनके सीनियरों के साथ मिलकर, बिना डरे, बिना डरे, ये मैं कहता हूं। कोई आपसे नहीं कहने आएगा, क्योंकि आता जब है जब कोई शिकायत करता है इस पर, ये मेरी चीज है, इस पर यदि कोई दूसरा कब्जा करेगा तो मैं शिकायत करूंगा, तब इस पर एक्शन लिया जाएगा। कौन करेगा शिकायत, कौन करेगा शिकायत, बस इतना समझ लीजिए। इसलिए ये पल्स का ऑफिस आपका है, आपकी संपत्ति है, इसके अंदर की एक एक चीज आपकी है, एक एक चीज आपकी है, इतना समझ लीजिए। अब बहुत हो चुका और ये काम जल्द से जल्द कर दीजिए, और एक ऐसा मैसेज छोड़िए ये सेवी लोड़ा कमेटी के कानों तक पहुंचे, और वो जो मैनेजमेंट के ऊपर आज भी हिजड़े बैठे हुए हैं उनके कानों तक पहुंचे, और अगर सामने आए तो टांगे तोड़ने के सामान भी साथ रखिए, उनके टांगे तोड़ दीजिए उनकी, बिल्कुल आप अब चूकिएगा मत। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो बड़ा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो दिक्कत करते हैं इस मुहिम में, इस ऑपरेशन में। पल्स ऑफिस खुल जाने चाहिए साथियों, परिणाम बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, और उसमें मीटिंग कीजिएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा आज की अपने वीडियो में, पल्स के ऑफिस खोल दीजिए, घुस जाइए, मीटिंग कीजिए, लोगों को बताइए, और अपने आप जो नेगेटिव होंगे या जो गद्दार होंगे वो सामने आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।